इस वक्त हमारे चैनल हेड मनोज मनु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे सर यही जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था दिग्विजय सिंह को लेकर कि वो नामांकन करेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो नामांकन नहीं करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है सर। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो कि सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित समुदाय से आते हैं जी, और इस वक्त आपको बताऊं कि कांग्रेस के भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये आपको सूचना दे रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो नामांकन फॉर्म है वो भरेंगे। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे। और लगातार कल हम इंडिया न्यूज दर्शकों को इस बात की जानकारी दे रहा था कि दिग्विजय सिंह अगर फॉर्म भरेंगे तो वो अपने आला कमान की अनुमति से ही भरेंगे। आपने कल दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मैं दिल्ली आया हूँ, मैंने फॉर्म खरीद लिया है और सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म खरीदा है और संभवतः मैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ये नॉमिनेशन करूंगा। संभवतः उन्होंने इस बात का एक संकेत दिया था। दिग्विजय सिंह राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और लगातार जो ऊंफों की स्थिति जो चल रही थी दिग्विजय सिंह के सामने आने के बाद ही ये सामने क्लियर हो गया। बहुत सारे कांग्रेसियों में एकजुट हो गया, दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिल्ली की जो लॉबी है वो एकजुट हो गई। सबने मिलकर आलाकमान को इस बात के संकेत दिया है कि अब इस पर मसले पर अगर जल्दी से विचार ना किया गया तो फिर दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आखिर ये हुआ क्यों। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो दिग्विजय सिंह के साथ विरोध में आ गई, जिन्होंने पार्टी आला कमान के साथ तमाम नेताओं के साथ मिलकर ये पूरा काम किया और सबसे बड़ी चीज है कि वो विरोध भी दर्ज किया। और ये इस कारण से दिग्विजय सिंह पार्टी आला कमान ने कहा कि आप फॉर्म मत भरिए। एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढा गया जो सबसे बड़ी चीज है कि वो कैंडिडेट कौन हो सकता है, वो कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे। कल ही हम इस बात की आशंका लगातार जता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित नेता है कांग्रेस के पदों पर है, महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए, रेल मंत्री भी रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर वो जानकारी दे रहे थे कि आखिर कौन हो सकता है पार्टी का चेहरा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को फिलहाल अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे भर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी जानकारी है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो या इससे पहले अशोक गहलोत, तो लगातार पल दर पल इसमें नाम बदलते गए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर आके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुई आखिर क्यों रुक गई। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर ये सुई इसलिए रुक गई क्योंकि एक वफादार व्यक्ति चाहिए था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के बिल्कुल सही है कि बड़े नेता हैं निश्चित तौर पर, लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर एक बहुत बड़ा गुट है जो दिग्विजय सिंह के नाम पर सहमत नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि दिग्विजय सिंह अगर खड़े होते वहां पर तो निश्चित तौर पर एक पार्टी में अजीत सी स्थिति हो जाती। बहुत ज्यादा कल देर रात तक बैठक चलती रही, G20 की भी बैठक चलती रही और ये बैठक एक बहुत बड़ा संकेत भी दे रही थी कि आखिर क्या होगा इस पूरे मसले पर। तो कुल मिलाकर जब लगा, पार्टी आला कमान को भी लगा कि गुटबाजी हो गई है, बहुत सारे नेताओं ने सोनिया गांधी को भी इस बात की आपत्ति जताई कि आखिर होगा क्या, तो ये एक बड़ा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया और संकेत कुछ इस तरीके से था कि आखिर क्या इस नाम पर विचार नहीं किया जाए। तो कुल मिलाकर ये तय किया गया कि इस नाम पर विचार नहीं किया जाए और अंततः पार्टी आला कमान की तरफ से ये तय किया गया कि अब अगले अध्यक्ष अगर कोई होगा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन नहीं भरेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, देश की राजनीति में दिग्विजय सिंह ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और दिग्विजय सिंह ने ये बता दिया कि वो दिग्विजय सिंह हैं और जहां पर पानी शांत था दिग्विजय सिंह ने उस शांत पानी में एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया और पूरी कांग्रेस इस मसले को लेकर एक बड़े तौर पर खड़ी हो गई और तमाम रात भर नेताओं की चर्चा होती रही, रात भर नेताओं की लॉबिंग चलती रही। ये एक बड़ा संकेत यहाँ पर देखा गया। बिल्कुल मनोज जी, तो बड़ा संकेत दिया गया है और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। दिग्विजय सिंह की तस्वीरें इस वक्त तो दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं जहां दिग्विजय सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, सीधे तस्वीरें।
तो मनोज मनुजी लगातार हमारे चैनल हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी वापस आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब फाइनल राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, या अभी और भी बदलाव हो सकते हैं? मुझे लगता नहीं है कि अब और कोई बदलाव होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह अब फॉर्म नहीं भरेंगे, और दिग्विजय सिंह बेसिकली कांग्रेस के बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं, और जैसा कि इंडिया न्यूज लगातार कल से ये बता रहा था कि जब तक पार्टी आलाकमान नहीं कहेगा तब तक दिग्विजय सिंह फॉर्म नहीं भरेंगे, इस बात के संकेत पहले भी आ रहे थे, और अब इस बात की करीब करीब ये माना जाए कि पुष्टि हो चुकी है, दिग्विजय सिंह अब फॉर्म नहीं भरेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से फॉर्म भरेंगे और शशि थरूर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक संकेत ये हो सकता है कि आखिर कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेस ये भी चाहती है कि बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि कांग्रेस में घमासान हो गया है, कांग्रेस में कोई संकट खड़ा हो गया है, संगठन चुनाव पर कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, गांधी परिवार पर कोई संकट खड़ा हो गया है, गांधी परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी और ना ये कोशिश करेगी कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर फॉर्म भर भी दिया जाता है तो वो फॉर्म 8 तारीख तक वापस भी ले लिया जाएगा, एक संकेत ये भी हो सकता है। लेकिन सूचना उसके पहले की है, ये भी चर्चा की जा रही है, ये माना जा रहा है कि कमलनाथ जी अन्य कार्यों में पूर्व व्यस्त हैं, उन्होंने ही उनके निर्देश पर ही मैं यहाँ आया हूँ और अपने साथियों को लेकर पहुँचा हूँ। कल उन्होंने ही मुझे निर्देश किया था कि आपको पहुँचना है, उनकी थोड़ा अन्य कार्यों में व्यस्तता पूर्व से ही होने के कारण वो नहीं आ पाया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को आप देख रहे थे, मनोज जी आपको रुकना पड़ा, वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह का नाम चर्चाओं में रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और ये कहा जा रहा था कि उनके जो प्रस्तावक थे वो कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन अब नाम वापस लिए जाना या नामांकन ना भरे जाना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है विरोध के स्वर उठ रहे थे। और ये कौन लोग हैं जो विरोध के स्वर उनके लिए उठ रहे थे या उनको पीछे किया गया, क्या वजह रही, हम जानना चाहेंगे आपसे। पसंद नहीं करती है और वो लॉबी ये मानती है कि दिग्विजय सिंह अगर राष्ट्रीय राजनीति में आ गए तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा कि दिग्विजय सिंह बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और दिग्विजय सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह से बहुत सारे नेता डरते भी हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से डरते हैं, उनकी राजनीति से डरते हैं। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री दरअसल रहे दिग्विजय सिंह, और उसके बाद दिग्विजय सिंह के जाने के बाद मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई है, केवल 15 महीने की सरकार आई थी, तो ये माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के कारण नहीं आई है। 15 महीने की जो सरकार गिरी वो भी कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के कारण गिरी है, बावजूद इसके वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, बावजूद इसके वो राहुल गांधी के गुरु कहलाए जाते हैं, बावजूद इसके वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी है, बावजूद इसके वो कई महत्वपूर्ण कांग्रेस की कमेटी में मौजूद हैं। तो लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह को जितना हो सकता है रोक लो, अगर आप नहीं रोक पाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये एक बड़ा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया है। और मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, कल रात भर दिग्विजय सिंह विरोधी नेताओं की बैठकें होती रही, दिग्विजय सिंह विरोधी नेता रात भर बैठकें करते रहे, एक लॉबिंग थी दिल्ली में जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, वो लॉबिंग ने बड़ा असर यहाँ पर किया है, और वो लॉबिंग ने बड़ा असर इसलिए भी किया है क्योंकि पार्टी आलाकमान के सामने बहुत सारे लोगों ने बहुत गंभीरता से ये कह दिया था कि भाई अगर दिग्विजय सिंह हुए तो आप देख लीजिए, फिर कांग्रेस को आप ही चलाइएगा, तो एक बड़ा संकेत यहाँ पर निकल कर ये आया है, इसलिए हम बड़े भरोसे के साथ कह सकते हैं कि पार्टी आलाकमान ने इसको गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेकर यह तय हो गया है कि अब दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे ये मान लिया जाता है, और जिस तरह से आपके सूत्र बता रहे हैं वाकई सच साबित होगा। और लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह अब नामांकन नहीं भरेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो क्या मल्लिकार्जुन बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका विरोध नहीं है, जिस तरह से उनके लिए कोई उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा है, या बेहतर जो है कैंडिडेट उनको बताया जा रहा है, बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो साबित होंगे, कैसे आप देखते हैं? तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सिपाही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे की खास बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे
बेसिकली बहुत पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कार्यप्रणाली रही है उसमें आपने कतई नहीं महसूस किया होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के लाइन के उतर गए हैं। जो भी उन्हें पद दिया गया हमेशा उन पदों पर वो बैठे रहे और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उन पदों पर काम किया, तो ये एक बड़ा संकेत यहाँ पर दिखाई दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी लोकसभा में मौजूद हैं, कर्नाटक की राजनीति से आते हैं। कर्नाटक में आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जब कर्नाटक में चुनाव होंगे तो आप सोचिए कि वहां पर भी इस बात का असर पड़ेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता देश के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस से भी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर अलग हो गए हैं। ये एक बड़ी चीज है। तो कर्नाटक की राजनीति जो है वहां पर सिद्धरमैया है, जी शिव कुमार है, ऑलरेडी वो लड़ते रहते हैं मुख्यमंत्री के पद को लेकर।